नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए एपिसोड में फार्माकोडायनेमिक्स के। आज हम बात करेंगे ड्रग डोसेजेस के बारे में, बट बिफोर मूविंग टू दैट टॉपिक लेट अस फर्स्ट डिस्कस एक टैबुलर फॉर्म में द डिफरेंस बिटवीन एंटागोनिज्म, जैसे मेरे पिछले एपिसोड में था, जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। इट कैन बी आइदर कॉम्पिटिटिव, दैट इज इक्विलिब्रियम टाइप, और नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक, कॉम्पिटिटिव या इक्विलिब्रियम टाइप में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, एंटागोनिस्ट जाकर के सेम साइट पे बाइंड करेगा। ठीक, नॉन कॉम्पिटिटिव में ऑब्वियसली दूसरी साइट पे बाइंड करेगा। फिर कॉम्पिटिटिव में एंटागोनिस्ट केमिकली रिजेंबल करता है एगोनिस्ट को, नॉन कॉम्पिटिटिव में डज नॉट रिजेंबल। कॉम्पिटिटिव में पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ एगोनिस्ट डोर रिस्पॉन्स कर्व, इसको अभी हम समझेंगे अच्छे से। ये बेसिकली पोटेंसी को ये डिक्रीज कर देता है, डिक्रीजेज द पोटेंसी, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव है दैट डिक्रीजेज द एफिकेसी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आते हैं आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है ये। ठीक है, एमडीएस एग्जाम्स और योर एमडी एग्जाम्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव के केस में, और नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में आपको रिस्पॉन्स कम मिलेगा चाहे कितना भी आप डोज दे दो। समझे आप, एफिकेसी इज द मैक्सिमम रिस्पॉन्स, दैट इज 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस व्हेन एगोनिस्ट। Yes, potency is the ability of the agonist to produce a response, or the ability of a drug to produce a response is called potency. Then the same maximal response can be attained. अब इसमें मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, ये सरमाउंटेबल होती है, मतलब इस पर्वत को हम चढ़ सकते हैं, लेकिन क्लाइंब। ठीक है, सरमाउंटेबल एंटागोनिज्म, क्या बात है, चढ़ के सबस्ट्रेट या कंडीशन बढ़ा करके ओवरकम हो गया ये। फिर इसमें मैक्सिमल रिस्पॉन्स सप्रेस्ड होता है, तो यो नहीं हो रहा, नहीं जा रहा, जाओ 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 जाओ, अरे नहीं जा पा रहा, थक गया, बहुत थक गया, बहुत थकान हो रही है। तो वो बेचारा माउंट एवरेस्ट क्लाइम नहीं कर पा रहा, वो अनसरमाउंटेबल है, नॉन कॉम्पिटिटिव माउंट एवरेस्ट क्लाइम नहीं कर पा रहा। फिर इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, और इसमें मैक्सिमल रिस्पॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंटागोनिस्ट। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी हम लोग बात करेंगे जब मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अब स्टार्ट ही करने वाला हूँ कुछ एपिसोड में। एस्टाइल कोलिन का एट्रोपीन, एट्रोपीन विल प्रिवेंट एस्टाइल कोलिन फ्रॉम बाइंडिंग टू द मस्करेनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, स्पेसिफिकली मस्करेनिक रिसेप्टर्स को टारगेट करता है। मॉर्फिन ओपियोइड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट दर्द को दूर करने वाली दवाई। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक नोन टू मैन एंड एब्सेंस एल्जीसिया सेंसेशन। ठीक है, फिर एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिकली पेन सेंसेशन, एल्जीसिया बेसिकली मीन सेंसेशन, पेन सेंसेशन। ठीक, एंड एल्जेसिक एब्सेंस ऑफ पेन, तो इसका नालोक्सोन होता है, ये दिया जाता है मॉर्फिन ड्रग एडिक्ट्स को। अनफॉर्चुनेटली इसकी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है इंडिया में भी और बाकी देशों में तो है ही, बाहर जो लोग यहाँ पे इंजेक्शंस लेते हैं मॉर्फिन के, और फिर उनको आप देख सकते हो जो आईवी इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स होते हैं उनके यहाँ पे मार्क्स होते हैं, दे हैव सर्टेन इंजेक्शन मार्क्स, इससे आपको पता लग सकता है। तो जो आदमी जब विड्रॉल में जाता है तो उसको नालोक्सोन दिया जाता है, बहुत ही ग्रेजुअल करना पड़ता है, नहीं तो इसके विड्रॉल बहुत ही हॉरिबल होते हैं। देन मूविंग ऑन टू डायजेपाम, विच इज़ बेसिकली मन को शांति देती है दवाई। ठीक है, डायजेपाम बेसिकली एक कामिंग ड्रग, इट इज़ अ सेडेटिव, सेडेटिव इज अ ड्रग विच काम्स, हिप्नोटिक इज अ ड्रग विच पुट्स यू ऑफ टू स्लीप, आप सो जाओगे बट इसमें आपका मन बस शांत रहेगा। ठीक है, ये डायजेपाम, इसका एंटागोनिस्ट हो गया बाइक्यूपुलिन। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें आप समझ पाओगे सब कुछ जो मैंने अब तक बताया था। ठीक है, सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट दे दिया, तो आप देख रहे हो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है कर्व का। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो मतलब पोटेंसी डिक्रीज हो रही है, ज़्यादा आपको हाई डोज में देना पड़ेगा। बट आपने एगोनिस्ट प्लस देखो हाई डोज दिया एगोनिस्ट का, तो वही पीक अचीव होगी। अनफॉर्चुनेटली अगर आप नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट या फिर जिसको इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट बोला वो दे दिया, तो वो जाके बैठा, मैं भैया मैं तो आराम से अपना बैठा हूँ मजे में, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। अब आप देते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। फिर पार्शियल एगोनिस्ट दिया, अच्छा ये क्यों कम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ये आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, नहीं है प्लीज़ गो बैक टू द प्रीवियस एपिसोड एंड हैव अ लुक। ठीक है, मैंने डायग्राम से इसको डिस्क्राइब किया है। नाउ मूविंग ऑन टू ड्रग डोसेज, क्या होता है ड्रग डोसेज।
पहले डोज की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द कितनी मात्रा में कोई दवाई दी जाती है, ठीक है, कितनी मात्रा में दी जाती है कोई दवाई, मतलब कि अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ अ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स इन अ गिवन पेशेंट। एक मरीज में कितनी दवाई देनी है कि रिस्पॉन्स दे। अब ये डोज भी क्वालिफाई करी जाती है रिस्पॉन्स, जैसे कि एस्पिरिन बहुत कॉमनली पूछा जाता है वाइवा में और एग्जाम्स में भी। आने जैसे डोज सर दर्द के लिए अलग है, डिस्प्रिन के नाम से आती है ना, आपको पता होगा, घुल जाती है पानी में, तो 0.3 to 0.6 ग्राम। एंटी प्लेटलेट डोज ये लाइफ लॉन्ग दी जाती है हार्ट अटैक के पेशेंट्स को, हार्ट अटैक के पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग दी जाती है एस्पिरिन की डोज 60 to 150 mg/day। और एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज 3 to 5 grams/day। ठीक, अब स्टैंडर्ड डोज क्या होती है? अब वही सेम डोज सारे पेशेंट्स के लिए जनरली वही रहती है, इंडिविजुअल वेरिएशंस कम होते हैं, इंसान से इंसान में कम वेरिएशंस होते हैं, या उसका सेफ्टी मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब थेरेप्यूटिक इंडेक्स उसका बहुत ज़्यादा होता है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? TILE रेशियो बिटवीन द LD50 दैट इज लीथल डोज, मीडियन लीथल डोज अपॉन द मीडियन इफेक्टिव डोज। तो लार्ज इनफ डोज दे सकते हैं टू कवर, ठीक है। अब इसमें क्या कवर करने के लिए? कोई भी डिजीज को ठीक करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है जनरली, देन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम, क्लोरोक्वीन एंटी मलेरियल, मेबेंडाजोल वर्म को किल करती है, पेट में वो कीड़े पड़ जाते हैं तो मर जाते हैं, मेबेंडाजोल एल्बेंडाजोल ये सब एंटी हेलमिंथिक्स है। फिर हाइड्रोक्लोरथायजाइड बेसिकली क्या है? दैट इज अ डायोरेटिक, दैट इज अ थायजाइड डायोरेटिक विच एक्ट्स ऑन द डिस्टिल ट्यूब्यूल ऑफ द कलेक्टिंग ड्रग। फिर रेगुलेटेड, वो स्टैंडर्ड डोज की बात हो गई, अब रेगुलेशन करनी है। सो द ड्रग मॉडिफाइज, जो ड्रग होता है वो मॉडिफाई करता है एक फाइनली रेगुलेटेड बॉडी फंक्शन को, जिसको हम आराम से देख सकते हैं, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज हो गया, यहाँ से निकाला और फास्टिंग पोस्टप्रांडियल ग्लाइकोसाइलेटेड चेक कर लिया, या कई लोग पिन प्रिक से भी करते हैं, फिंगर प्रिक जो मशीन्स आती हैं, बट आई वुड से वो मशीन्स कम एक्यूरेट होती हैं, ये जो लेबोरेटरी में होता है दैट इज़ मोर एक्यूरेट। एंड ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इज बाय फार द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलिटस, क्योंकि वो 3 months का, 3 महीने का बताता है, और RBC का लाइफ स्पैन सबको पता है 120 दिन का होता है, तो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन तो गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये तो ब्लड शुगर की बात होगी, बीपी के लिए बीपी कफ यहाँ पे बांध दिया और ब्लड प्रेशर ले लिया। तो डोसेज को हम एक्यूरेटली इसमें एडजस्ट कर सकते हैं बाय रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ इट, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव्स, हाइपोग्लाइसीमिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव हाइपरटेंशन के मरीज को देंगे जिसको ब्लड प्रेशर है, प्रेशर का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, इंडिया इज़ अ डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, कितने ज़्यादा डायबिटिक्स हैं, उनको हम ग्लूकोज कम करेंगे, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। एंटीकोगुलेंट्स हम आराम से मेजर कर सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये सब पैरामीटर्स होते हैं, इसे हम एंटीकोगुलेंट्स को असेस कर सकते हैं। फिर डायरेटिक्स को बहुत आराम से आप एडजस्ट करके रेगुलेट कर सकते हो यूरिन आउटपुट के बेसिस पे, अगर यूरिन आउटपुट पेशेंट का बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो हम डोज थोड़ी कम कर सकते हैं। और जनरल एनेस्थेटिक्स, ऑब्वियसली पेशेंट को हम जनरल एनेस्थेटिक्स दे करके वी कैन बेसिकली असेस द रिस्पॉन्स, ठीक है, कि पेशेंट अभी बेहोश हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर बेहोशी की हालत में जा चुका है तो उसकी डोज अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस फिनिशेज ऑफ स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटेड डोज, बाकी डोजेस के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, तब तक के लिए दिस इज करण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।